Coming to question number 6, ABC is a right triangle and O is the midpoint of the side opposite to the right angle. Explain why O is equidistant from A, B and C. क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि जो ये ए बी सी है, ये एक राइट ट्राइंगल है और ओ जो है वो मिड पॉइंट है. क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है कि जो ये ओ पॉइंट है वो ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये तीनों इक्विडिस्टेंट पे हैं. सो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, राइट ट्राइंगल ए बी सी और ओ जो है वो एक मिड पॉइंट है. प्रूफ क्या करना है कि ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट पे है. ओ का इक्विडिस्टेंट है ए बी और सी से. दैट मीन्स सो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या हो जाएगा, हमने एक लाइन ड्रॉ करी ए से जो बी सी के पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाली लाइन, और हमने एक और लाइन ड्रॉ करी सी से जो बी ए के पैरेलल है, दैट मीन्स ये वाली लाइन. अब हमने जो ये डी पॉइंट है इसको ओ से ज्वाइन कर दिया. नाउ हमें प्रूफ क्या करना है, इन ए बी सी डी, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है एंड बी सी जो है वो ए डी के पैरेलल है. दैट मीन्स जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं. देयरफोर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. सो अगर ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम होगा तो जो इसके एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे. सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री. That means angle B, angle C equals to 180 degree because adjacent angles of a parallelogram are supplementary. So हमारा angle B है 90 degree, angle C equals to 180 degree. So हमारा angle C कितना आ जाएगा, 180 degree minus 90 degree. That means हमारा angle C है 90 degree. और parallelogram के opposite angles भी equal होते हैं. So parallelogram of opposite angles are equal. हमारा angle C आया 90 degree. That means इसका opposite angle ये है, ये भी 90 degree हो जाएगा, और angle B 90 degree है तो angle D भी 90 degree हो जाएगा. So angle A equals to angle C and angle A equals to 90 degree. Angle D equals to angle B. Then angle D equals to 90 degree. Therefore angle A equals to angle B equals to angle C equals to angle D equals to 90 degree. So A B C D is a parallelogram with all angles 90 degree. Therefore ABCD एक rectangle है.
और हमें पता है कि डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं. वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर. दैट मीन्स ओ ए जो होगा वो ओ सी के इक्वल होगा और वो ए सी का 1/2 होगा. इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं. सेम ओ बी जो है वो ओ डी के इक्वल होगा और वो बी डी का हाफ होगा. दैट इज इक्वेशन टू. ऑल्सो द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. सो बी डी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा. नाउ हमारी इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड क्या थी? 1/2 बी डी इक्वल्स टू 1/2 ए सी. नाउ हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर देते हैं. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 OB equals to OA. Therefore, OA equals to OB equals to OC. Hence, O is equidistant from A, B and C. और हमें यही प्रूव करना था. यहीं पे आपकी 3.4 कंप्लीट होती है. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.